हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 24 दिसंबर को नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आज के एग्जाम का कंप्लीट रिव्यू शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आज के पेपर में जो DI के तीनों क्वेश्चन आए थे उनका सोल्यूशन एग्जैक्ट डेटा के साथ मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। इसके अलावा रीजनिंग में जो आपके इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आए थे वो भी मैं एग्जैक्ट डेटा के साथ सॉल्व करवाने वाला हूँ और बाकी के जो भी आपके पजल्स हैं या फिर GK के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे रियल क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो तो उसे आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस एंड कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने आज के इस एग्जाम को दिया है तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कितने अटेम्प्ट रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, आपको किसी भी तरह की डाउट या क्वेरीज आपके मन में है तो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मैंने दोनों ही लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में एक आपका कैशलेट DI आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा के साथ आपके सामने DI मैं रख रहा हूँ। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्वांट में पूछा क्या क्या गया था। क्वांट में दोस्तों टोटल 35 क्वेश्चन थे और इसके लिए 60 मार्क्स दिया जाएगा और जो टाइम यहाँ पर अलॉट किया गया था वो आपका था 45 मिनट का। अब दोस्तों, जैसा कि आपके IBPS PO में होता है कि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको वहीं पर दिखा दिया जाता है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, एक क्वेश्चन दो नंबर का है, इस एग्जाम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया था। अब हम बात करते हैं आपके क्वांट में आया क्या था। तो सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेशन के आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन की अगर मैं लेवल की बात करूँ दोस्तों तो RRV क्लर्क से ज़्यादा ऊपर नहीं था। ठीक है, आप RRV क्लर्क अगर दिए हो तो आपको पता होगा बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। इसके बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो यह भी दोस्तों आपके RRV क्लर्क जैसा ही बिल्कुल था। अगर आपने PO का प्री लेवल का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे ना, इससे थोड़ा हाई लेवल के ही मिलेंगे। इससे भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे। जैसे देखो, क्वेश्चन क्या आया था, x² + 6x + 12, इस तरह से कर करके क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपको बिना कैलकुलेट किए ही बन जा रहे थे। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें तो आपकी 3 DI आई थी, जिसमें से आपका एक था कैशलेट DI और जो 2 DI पूछे गए थे ना वो आपके टेबल वाले थे। अब टेबल वाले में क्या क्या DI आया था, उसका क्या एग्जैक्ट डेटा था, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में करवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों आपके जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे अरिथमेटिक के थे और अरिथमेटिक का भी टोटल क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल का था। मैंने 15 में से 14 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, केवल एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बचा था वो हमसे नहीं सॉल्व हो पाया। तो यह था दोस्तों आपका ओवरऑल क्वांट का पेपर। अब क्वांट में एक आपका जो कैशलेट DI आया था दोस्तों, उसमें एक्चुअली 3 सर्वर थे। सर्वर ए में कहा गया था कि इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का रेशियो 5:3 का है। इसके बाद सेकेंड वाला सर्वर था हमारा, दैट मीन सर्वर बी। सर्वर बी में क्या कहा गया था दोस्तों कि जो इनकमिंग कॉल है वो 300 है और जो आउटगोइंग कॉल है वो 30% ज़्यादा है ए के इनकमिंग कॉल से। फिर आपकी जो सर्वर सी थे, यहाँ पर कहा गया था कि टोटल आउटगोइंग कॉल 700 है सर्वर सी में और इनकमिंग कॉल 30% लेस है इसके आउटगोइंग कॉल से। और एक आपका नोट दिया गया था कि यहाँ पर जो टोटल आउटगोइंग कॉल है वो आपकी 1390 होगी तीनों सर्वर को मिलाकर। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इसका डेटा सॉल्व करते तो डेटा सॉल्व करने के बाद आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर चला आता। इसी तरह से एक और DI आया था, मैं आपको इसका पूरा डेटा भी आपके वीडियो में देने वाला हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगला जो DI यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, वो एक्चुअली क्या दिया गया था ना, टोटल मेल एंड फीमेल का पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद मेल का पॉपुलेशन दे दिया गया था, आपको फीमेल का फाइंड करना था। इसमें आपके क्या क्या थे, ए बी सी और डी, 4 थे, जिसमें से इसमें आपके टोटल कितने होंगे, 3000। फिर यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, 6000। फिर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 12000। एक्चुअली यहाँ पर 6000 था, 12000। फिर यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, 9000। और इस तरह से दोस्तों जो आपका टोटल वैल्यू निकल कर आ रहा था ना, यहाँ पर 30000 का आ रहा था। ठीक है, मैं आपको पूरा डेटा जैसे ही मिलता है तो सारी चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर करवा दूंगा। अगर मेल की बात करूं तो मेल में इसमें कितने थे, यहाँ पर मेल का रेशियो दिया गया था, एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर जो 3000 है ना, 30000 था, 60000 था, 120000 था, 90000 था, ऐसे कैलकुलेट करके 3000000 का डेटा दिया गया था। मैं थोड़ी देर में एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ DI करवाऊंगा। यहाँ पर जो आपका डेटा दिया गया था 54000, फिर 36000 था आपका और यहाँ पर आपका 63000 था। तो आप दोनों को माइनस करके यहाँ से फीमेल का वैल्यू निकाल सकते थे। टोटल यहाँ पर फीमेल का वैल्यू निकालने के बाद आपको इसके जो क्वेश्चन दिए गए थे ना वो भी काफ़ी सिंपल थे, दो दो लाइन के क्वेश्चन थे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों एक और DI आया था, बिल्कुल सेम DI आपको पिछले साल 2021 में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम में देखने को मिला था। यहाँ पर DI में क्या था दोस्तों कि आपकी CP और
एसपी दिया गया था। एक्चुअली था क्या कि एक सीपी का टेबल था, एक एसपी का टेबल था और एक इधर यहाँ पर दिया गया था क्या, यहाँ पर साइड में दिया गया था आपका डिस्काउंट परसेंटेज, नहीं एक्चुअली यहाँ पर मार्क प्राइस दिया गया था। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपका जो सीपी है वो 800 है, फिर इसके बाद सीपी आपका 750 था, फिर इसके बाद आपका सीपी अगला था 900, इसके बाद अगला सीपी था 1200, फिर इसके बाद अगला सीपी था 600। और इसमें क्या कहा गया था दोस्तों कि आपका जो मार्क्ड प्राइस है ना, यहाँ पर जो इसका मार्क्ड प्राइस है वो -20% हो जाता है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है उसका, फिर इसका जो है मार्क्ड प्राइस वो +30% यानी कि 30% इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर 25% बढ़ाकर आपका मार्क्ड प्राइस है, यहाँ पर 10% माइनस करके और इसके नीचे में 15% बढ़ाकर, तो आप इस परसेंटेज को यूज करके इसका सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते थे और फिर इसी इक्वेशन पर बेस्ड आपके 5 सवाल पूछे गए थे। तो यह था दोस्तों आपका तीनों डीआई एग्जैक्ट डेटा के साथ मैंने आपको करवा दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं आपको एक और वीडियो दूंगा तो उसमें आपके क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, जो कि है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था दोस्तों, सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट की बात कर लें। रीजनिंग में आपका जो 5 क्वेश्चन आया था इनपुट आउटपुट का ना, बहुत ही ईजी लेवल का था। बस यहाँ पर मेरे से गलती क्या हो गई कि मैंने इनपुट आउटपुट को सोल्व करते करते पूरा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया और लास्ट में मुझे बहुत ही कम टाइम बचा, लगभग 1 मिनट का टाइम बचा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था ना वो काफ़ी लेंदी था, 5 में से मैं केवल 2 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाया, बाकी 3 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। इनपुट आउटपुट में क्या पूछा था दोस्तों, 23 था, 57 था, 33 था, 17, 78 था, 51 था, बिल्कुल इसे सीरियल वाइज लिखा हुआ था, 86, 67, 29, 94, यहाँ पर 9 है इसे 94 कर लेना, फिर आपका 47 एंड 73। अब इसमें हो क्या रहा था ना कि पहले तो आप दोनों नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ऐसा नंबर होगा जो 50 से ज़्यादा होगा और एक ऐसा नंबर होगा जो 50 से कम होगा। अब दोस्तों जो नंबर 50 से कम रहेगा ना उसमें आपको 1 ऐड कर देना होता था और जो नंबर आपका 50 से ज़्यादा था उसमें 1 माइनस कर देना होता था। और स्टार्ट कैसे करेंगे, तो पहला जो हमारा यहाँ पर टर्म आएगा ना वो सबसे छोटा टर्म, तो इसमें से सबसे छोटा टर्म हमें कौन सा दिख रहा है, 23, और 23 जो है वो 50 से कम है ना, यानी कि 1 प्लस करके हम क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। फिर आप पूरा यहाँ पर वैल्यू लिखोगे और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट आपको लिखना है, सबसे बड़ा डिजिट 94 है, लेकिन 94 जो 50 से ज़्यादा बड़ा है ना, यानी कि 1 माइनस करके 93 लिख देंगे। अब जो अगला स्टेप स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर आपका अब सेकेंड हाइएस्ट नंबर आता, जैसे हमने 94 ले लिया, इससे थोड़ा सा नीचे कम कौन सा आता है, 86 आता है ना, तो 86 लिखेंगे, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, 85 कर देंगे, क्योंकि अब 50 से ज़्यादा था। फिर आपकी 24 आ जाती, ये वाला टर्म जो आपका सीरीज था लिखा जाता 93 आता, और फिर इसके बाद आगे अब कौन सा आता, तो आगे में अब आता सेकेंड लोवेस्ट नंबर, जैसे 23 हमने उठाया था, एक्चुअली मैं यहाँ पर 23 नहीं 17 आता, क्योंकि सबसे लोवेस्ट 17 है ना, 17 को आप 18 करके लिख दो। तो अब जो अगला टर्म आएगा 17 के बाद वाला वो आपका 23 होगा, और 23 50 से कम है तो 1 बढ़ाकर हमने 24 लिख दिया। अब वापस से यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता, यहाँ पर आपका लार्जेस्ट नंबर आ जाता। तो इस तरह से आप इस पूरे इनपुट आउटपुट को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद एक बार कमेंट करके आप बता देना कि इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस आ रहा है। तो ये था दोस्तों आपका इनपुट आउटपुट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका था सिलॉग्स का। सिलॉग्स के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, और चारों के चारों क्वेश्चन आपके ओनली अ फ्यू बेस्ड थे, ठीक है, ओनली अ फ्यू बेस्ड आपके चारों क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद एक आपका कोडिंग डिकोडिंग आया था। पहले तो मुझे लगा कि यह जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, जैसे IBPS PO वगैरह में आती है कंडीशनल कोडिंग, वैसे दिया गया है, लेकिन जब मैं लास्ट में इस कोडिंग डिकोडिंग के पास वापस आया देखने के लिए तो पता चला कि बिल्कुल आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो प्री लेवल में आती है बिल्कुल वही लेवल है और वही पैटर्न था। तो आसानी से इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों आपके डायरेक्शन के 3 बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन दिए गए थे, यानी कि बस आप स्टार्ट करो चलना, इस तरह से मूव करते करते आपके सारे डायरेक्शन एक ही बार में कंप्लीट हो जा रहे थे। फिर इसके बाद दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा था क्योंकि 2 रिलेशन जो था ना वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट किया गया था और आपको उसे लॉजिकल फॉर्म में सोच करके बताना था कि आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन के आए थे। और अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ दोस्तों, तो लॉजिकल रीजनिंग का जो लेवल था ना वो मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है, जैसा कि IBPS PO का मेंस में आया था इजी लेवल का लॉजिकल रीजनिंग, वैसा यहाँ पर नहीं पूछा गया था। टोटल 4 क्वेश्चन थे जिनमें से शायद मैंने 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें से एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। यह था दोस्तों आपका कंप्लीट मिसलेनियस रीजनिंग का। अब पजल्स की बात कर लें तो पजल में एक तो आपका था हाइट बेस्ड अरेंजमेंट, जिसमें 6 लोगों को अरेंज करना था और इस पर बेस्ड आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों एक आपका पजल आया था जिसमें आपके मंथ थे जनवरी से लेकर सितंबर तक और इसमें अगस्त मिसिंग था और इसके साथ दोस्तों आपका व्हीकल्स का वेरिएबल दिया गया था एक। फिर इसके बाद आपका
एक स्ट्रेट लाइन था और इसमें नॉर्थ प्लस साउथ फेसिंग कुछ कैंडिडेट बैठ रहे थे, कुछ नहीं एक्चुअली में यहाँ पर 8 कैंडिडेट बैठ रहे थे। अब यहाँ पर 4 नॉर्थ था 4 साउथ था, या फिर यह एग्जैक्ट नहीं दिया गया था कि कितने नॉर्थ हैं कितने साउथ हैं, यह मुझे नहीं याद। कल रात में ही मैंने एक मॉक लगाया था, वहाँ पर शायद 4 नॉर्थ एंड 4 साउथ वाला क्वेश्चन था। तो आप एक बार कमेंट करके कन्फर्म कर देना कि इसमें चारों लोग नॉर्थ एंड चारों लोग साउथ थे या फिर एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया था। बाकी आपका जो पजल था ना एंड सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल यही था, स्ट्रेट लाइन में 8 लोग बैठे हुए थे और कोई भी वेरिएबल इसके साथ यूज नहीं किया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था, जैसे रहता है ना कि इन अल्फाबेट्स के बीच में कितने लेटर आएंगे, तो उसमें आपका वर्ड था एडवांस्ड, ADVANCED। इसमें दोस्तों टोटल आपके 2 ऐसे पेयर बनेंगे, आप एक बार कमेंट करके कन्फर्म कर देना अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो। और एक क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, जैसे होता है ना कि पहला तीसरा पांचवा नौवां लेटर निकाल के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, तो इसमें आपका जो वर्ड आ रहा था ना वो USDT था, और इससे अगर आप वर्ड फॉर्म करोगे तो एक ही वर्ड बनता है, डेट इज डस्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डस्ट आ रहा था, और लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर पूछा था, दैट मीन्स कि यू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। तो यह है दोस्तों आपका टोटल रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल भी दोस्तों बहुत ही ईजी था, 25 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स यहाँ पर टाइम अलॉट किया गया था, 30 मार्क्स थे और टाइम यहाँ पर 35 मिनट का था। लास्ट के 10 मिनट बस ऐसे ही बैठकर मैं टाइमर देखते रहा, इतना ज़्यादा टाइम दिया गया था इंग्लिश के लिए यहाँ पर, और लेवल बहुत ही ईजी पूछा गया था। अब इसमें क्या आया था दोस्तों, इसमें आपके एक पैसेज पूछे गए थे, पैसेज में आपका किसी एक व्यक्ति के बारे में खास दे दिया गया था और उससे रिलेटेड कुछ वहाँ पर फैक्ट्स दिए गए थे। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पैसेज से थे और बहुत ही ईजी लेवल के थे। एक्चुअली में पैसेज में यहाँ पर था क्या, मैं एक बार याद करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया गया था अशोक या फिर ऐसे कुछ करके, और उस व्यक्ति से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फैक्ट दिए गए थे, अगर मुझे याद आता है तो वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपके फिलर वाले क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ही ईजी लेवल के थे, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकती थी। फिर आपका एक पारा जंबल आया था, तो पारा जंबल में दोस्तों आप एक बार कमेंट करके कन्फर्म करना कि एक का आंसर नन ऑफ दीज भी आ रहा था क्या, क्योंकि मैंने एक अरेंजमेंट किया, बहुत कोशिश की अरेंज करने का, लेकिन उसका कोई भी मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकल कर नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद दोस्तों आपके सेंटेंस इरर के क्वेश्चन आए थे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये थे आपके ओवरऑल इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 30 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जीके की, तो जीके में सितंबर के महीने से बहुत सारे करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं। जहां तक मुझे याद है कि 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे ना जिसमें डायरेक्ट लिख दिया गया था कि आपके सितंबर 2022 का ये न्यूज है, आप इसके बारे में इफेक्ट बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर ये 3 महीने अच्छे से कवर करके गया होगा, आपका करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार गया होगा। करंट अफेयर्स के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो एक पूछा गया था दोस्तों कि जो अनवर करके एक नाम है अभी, ठीक है, इब्राहिम अनवर, वे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यह करंट अफेयर्स कल ही मैंने अड्डा 247 के हिंदू रिव्यू में पढ़ा था रात ही में। इसके अलावा दोस्तों एक आपका पूछा गया था IVDC का पहला सेंटर कहाँ पर खुला है। फिर एक आपका आया था दोस्तों कि डीप ग्रेस, ठीक है, एक खिलाड़ी का नाम है डीप ग्रेस, वे किस खेल से संबंध रखती हैं। इसके बाद दोस्तों एक आया था टैक्स 2.0 किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है COP26 के मौके पर। इस तरह से दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे। एक्चुअली मैं करंट अफेयर्स के मैंने सारे क्वेश्चंस याद कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख भी रखे हैं। तो इस वीडियो के जस्ट बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें आपके करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर के टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दूंगा। लगभग 40 प्लस क्वेश्चन मुझे अभी तक मिल चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाता है तो आप 1 घंटे बाद वापस इस चैनल पर आकर विजिट करके देखना, आपको सारे जीके के क्वेश्चन यहीं पर अपलोड किए मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके जो बाकी के DI थी ना, वो DI भी मैं एग्जैक्ट डेटा के साथ आपको इसी जीके के वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको यह एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों आप एक बार कमेंट करके बताओ कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अलग अलग सेक्शंस में आपके टोटल क्या अटेम्प्ट रहे हैं।